आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। डियर लॉटरीज हिमालयन आइडल सीजन 2 एसके ऑडियो विजन और एसके लाइव के आयोजन में लेकर आया है इंडिया का नेपाली सिंगिंग कॉम्पिटिशन। 8 जनवरी को सिलीगुड़ी में इसके ऑडिशन होने जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8293351883 और वेबसाइट है www.skelive.news। सिलीगुड़ी में राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सिलीगुड़ी में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गुड्डू कुमार है, वह बिहार के चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार गुड्डू के बारे में केंद्रीय एजेंसी से राज्य पुलिस को जानकारी दी गई। उसके आधार पर एसटीएफ ने गुड्डू के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने उसे आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायाधीश ने उसे 14 दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। बुधवार को आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के संगवाझोरा 2 ग्राम पंचायत की उत्तरी गोसाईर हाट इलाके के एक घर से भुटानी शराब के कार्टन बरामद किए हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक इस घर से 212 बोतल शराब जब्त की गई है। हालांकि सरकारी गाड़ी देखते ही घर के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए। मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। लकोबा ग्राम पंचायत के मोहित नगर से सटे डासपाड़ा इलाके में तालाब में तैरता मिला एक युवक का शव। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि युवक की हत्या कर तालाब में फेंक दिया गया है। गौरतलब है कि बीती रात यहां मेला लगा था और स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि मेले के आसपास जुआ और शराब का धंधा होता है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी के करला वाली चाय बागान निवासी दिलू प्रधान अपनी पत्नी जन प्रधान के साथ एशियन हाईवे नंबर 48 से अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। पत्नी की आंखों के सामने ही जंगल में छिपे एक जंगली हाथी ने उसके पति को कुचल कर मार डाला। पति की निर्मम मौत देख पत्नी होश खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। दर्दनाक दृश्य देख चलती कार में सवार यात्रियों ने जान बचाई महिला को उठाकर मदारीहाट प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वन अधिकारियों ने व्यक्ति का शव बरामद किया है, वह उसे अस्पताल ले गए। अलीपुर द्वार के कालचनी प्रखंड के हेमिल्टनगंज फॉरवर्ड नगर क्षेत्र में बक्सा टाइगर परियोजना के वन कर्मियों ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुबह फॉरवर्ड नगर इलाके में छापा मारा और लकड़ी तस्करों का पीछा किया। 2 साइकिलों पर लाद कर लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। वन कर्मियों को देखते ही तस्कर साइकिल सहित लकड़ी छोड़कर भाग गए। बचाई गई लकड़ी को पाना रेंज में लाया गया। हालांकि घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गुरुवार को सुबह अचानक गंगा सागर में दुकानों में आग लग गई। आग लगने से 10 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। घटना दक्षिण 24 परगना के सागर के बामान खोली में हुई है। बताया जाता है कि दमकल की 2 गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि हादसा एक गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। मालदा में गोलीकांड में कालियाचक थाना पुलिस ने अमीरुल शेख उर्फ कल्लू शेख को गिरफ्तार किया है। वह कालियाचक थाना इलाके के सुल्तानगंज के कॉलेज मोड़ इलाके का निवासी है। ज्ञात हो कि कल्लू शेख व उसके पुत्र सहित कुछ अन्य लोगों पर 17 नवंबर की शाम कालियाचक ग्राम पंचायत के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर नजमुल शेख नाम के युवक को उस समय गोली मारने का आरोप है। बुधवार को कल्लू शेख को मालदा जिला अदालत में पेश कर कालियाचक थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भारत में भी बढ़ रहा है चीन वाला कोरोना का BF.7 वेरिएंट। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, सभी हो सकते हैं शामिल। सीएम ममता ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संकट पर आपात बैठक आयोजित करने के दिए निर्देश। आज होगी बैठक। दुनिया में कोरोना के 5.86 लाख नए केस आए हैं। चीन में दर्द बुखार की दवाओं के लिए फैक्ट्रियों तक कतारें। शमशान में भीड़ लेकिन चीन अनलॉक पर उतारू। लोगों से कह रहे संक्रमित हो तो भी काम पर लौटे। अर्थव्यवस्था को बचाना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री वैका टिकट और बाट। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है GNM स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर के आज ही अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख।
वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी मिलन मोर पोस्ट ऑफिस चंपासारी प्रधान नगर सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स फॉर क्लास इज 8 to 10 and 12। Young and dedicated faculty, fully digital classrooms, secure and monitored, focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at, all subjects under one roof, daily and weekend batches, hostel facilities available.